ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल किलाबाजार में तेरे। नमस्कार, बोल किला बाजार है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। अरविंद केजरीवाल तो राजनीति बदलने आए थे ना, आखिर वो संघ की पिच पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी से क्यों मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है, उनके ताजा बयान में उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को भारतीय मुद्रा में यानी कि नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर भी लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, इसलिए हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप तो राजनीति बदलने आए थे, आप तो ये कहते थे कि हम तो शिक्षा की राजनीति करते हैं, हम तो विकास की राजनीति करते हैं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। खासकर हम अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, मैं जानता हूं उनका प्रचार तंत्र कहेगा कि भाई लोहे को लोहा काटता है, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो आपको उनकी जैसी सोच रखनी पड़ेगी। अरे भैया, ना ये शोले चल रही है, ना तुम जय वीरू हो, ना वो गब्बर सिंह है। हाँ, अगर आपको मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी से तो आपको असली विचार, ओरिजिनल विचार सामने लाने पड़ेंगे, ऐसी सोच सामने लानी पड़ेगी जो भारतीय जनता पार्टी की लोक लुभावन मगर नफरती राजनीति का तोड़ हो। ये लोहा लोहा को काटता है, इससे कुछ नहीं होता है। आप बीजेपी की पिच पर उतरकर उससे मुकाबला करना चाहते हैं? बीजेपी की पिच पर उतरकर उससे मुकाबला करना चाहते हैं? आप पहला मैच खेल रहे हैं और वो क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सब हैं। जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को मीडिया का साथ मिलता है अपनी इस राजनीति के लिए, मीडिया उन्हें पूरा साथ देता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो नफरती राजनीति भी करें, नफरती बयान भी करें, तो मीडिया उसका साथ देता है। दरअसल एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह से बात कर रहे हैं। और यह मत सोचिए कि अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अरविंद केजरीवाल के इस पूरे बयान को सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग अपने अपने यहां अपने कमरे में जरूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने यह बात क्यों कही? एक तो यह आसान सा पक्ष है कि वो बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर आप ये नहीं भूल सकते, आपके स्क्रीन पर यह आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र पाल गौतम ने एक मंच से बाबा साहब अंबेडकर की 22 शपथ ली थी और उस शपथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह कहता है कि मैं हिंदू देवी देवताओं के दर्शन नहीं करूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। यह बाबा साहब अंबेडकर एक अरसे से ले रहे थे जब वो जिंदा थे,
ये शपथ गली गली में 1956 से ली जा रही है। मगर जैसे ही राजेंद्र पाल गौतम ये शपथ लेते हैं, उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी ये प्रचार चलाती है कि राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। जबकि राजेंद्र पाल गौतम कोई नई बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की शपथ ले रहे थे। अब उस घटना के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर हमला हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जाहिर सी बात बौखला गए। और फिर दिवाली आती है, बीजेपी एक जोरदार प्रचार चलाती है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं, दिवाली विरोधी हैं, उनके पार्टी के छुट भैया और अनाप शनाप नेता जो हैं वो खुलेआम पटाखे फोड़ते हैं, जबकि अदालत का फरमान है कि पटाखे ना फोड़े जाएं। और इन दो घटनाओं के चलते बीजेपी ये बतलाने की कोशिश करती है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। अब जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के पास इसका सिर्फ एक तोड़ था। वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि एक नोट के अंदर महात्मा गांधी के अलावा किसकी फोटो हो, लक्ष्मी और गणेश की फोटो। अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ अरसे से लगातार ये राजनीति कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि एक ऐसा वक्त आ सकता है कि ना आपको खुदा ही मिलेगा ना विसाले सनम, ना आप घर के रहेंगे ना घाट के। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है, और धीरे 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 करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। तो क्या IIT में पढ़ा एक व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर हमारा देश एक विकासशील देश है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर है और लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी को ये पता होना चाहिए कि भारत एक धार्मिक देश है। अब आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है फंसा दिया है। क्या कह रहे हैं पार्टी के सांसद संजय सिंह, आइए सुनते हैं। सबसे अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्रवक्ता सारे नेता इसके विरोध में मैदान में उतर आए, उसकी खिलाफत कर रहे हैं, कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे भाई, इंडोनेशिया जैसे मुल्क जहां पर 85% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां की करेंसी पर भी भगवान गणेश आपको की फोटो मिल जाएगी, भगवान गणेश की। और अगर ये डिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कम से कम 2014 से पहले आप जिस भी धर्म के हों, आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने की इजाजत होती थी। और इस देश में खुलेआम दिवाली, दुर्गा पूजा, होली, तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। छठ पूजा आने वाली है, लोग जोरदार तरीके से मना रहे हैं। बावजूद इसके अगर हम विकासशील देश हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भैया नोटों में गणेश और लक्ष्मी नहीं है इसलिए हम विकासशील देश हैं, तो इससे ज्यादा वाहियात तर्क नहीं हो सकता। मैं आपका ध्यान दो और चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। गुजरात की एक बहुत बड़ी खबर थी, और खबर क्या थी? बिल्किस बानो के 11 गुनाहगारों को रिहा कर दिया जाता है। CBI कहती है रिहा मत करो, स्पेशल सिविल जज कहते हैं रिहा मत करो, स्पेशल ब्रांच पुलिस कहती है रिहा मत करो, मगर अमित शाह का गृह मंत्रालय फरमान जारी कर देता है और इस फरमान में उन 11 लोगों को रिहा कर दिया जाता है। जब यह सवाल मनीष सिसोदिया से पूछा जाता है तो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हमें बिल्किस बानो के बारे में कुछ नहीं कहना है, हम सिर्फ शिक्षा की बात करेंगे। यहां पर एक लड़की के मानवाधिकारों को रौंद दिया गया है, एक लड़की के साथ नाइंसाफी हुई है, और यह वही आम आदमी पार्टी है जिसने निर्भया के दौरान जबरदस्त आंदोलन किया था। इनके तमाम नेता जो हैं सड़कों पर उतरे थे।
मगर आज बिल्किस के बारे में ये लोग एक शब्द नहीं कहते, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर हम बिल्किस के हक की बात करेंगे तो हमारा हिंदू वोट कट जाएगा। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि ये तो राजनीति बदलने आए थे ना, यानी कि अरविंद केजरीवाल ये समझते हैं कि जो हिंदू है वो पूरी तरह से नफरती है, और अगर किसी मुसलमान महिला के हक की बात होगी तो उससे उनका वोट कट जाएगा। अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं, आम आदमी पार्टी के दो नेता हैं सत्येंद्र जैन और अमानुतल्ला खान, दोनों जेल गए। सत्येंद्र जैन अब भी जेल में है, अमानतुल्ला खान भी जेल गए थे कुछ देर के लिए। यह बात अलग है कि सबूत नहीं थे, उन्हें रिहा करना पड़ा था। मगर जब अमानतुल्ला खान पर कार्रवाई की जा रही थी तब अरविंद केजरीवाल के मुंह से चू तक नहीं हुई थी दोस्तों। यही नहीं, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जा रहे थे तब भी अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। ये मत भूलिए, जब शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा था तब अरविंद केजरीवाल ने अमूमन चुप्पी बनाई हुई थी, दिल्ली दंगों पर कुछ नहीं कहे, और ये शख्स दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कायदे से इन तमाम मुद्दों पर आपको कुछ कहना चाहिए मगर आप खामोश बने रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपका हिंदू वोट बैंक जो है आपसे छिटक जाएगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो राजनीति बदलने आए थे ना, क्या इसके जरिए आप राजनीति बदलना चाहते हैं? क्या आप भी उसी नफरती राजनीति में सवार होकर वोट्स हासिल करना चाहते हैं? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ऐसा ना हो अरविंद जी कि ना आप घर के रहे ना घाट के, ना खुदा ही मिले ना विसाले सनम। अगर आपको बीजेपी से मुकाबला करना है तो आधा अधूरा हिंदू बनकर आप ये मुकाबला नहीं कर सकते। आपको अपना एक विचार पेश करना पड़ेगा जनता के सामने। आप उसी ढर्रे पर नहीं चल सकते। और बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, मैं उन मौसमी हिंदुओं की भी बात कर रहा हूं जो चुनाव आते ही भगवान शिव के दर्शन करने लगते हैं, और मैं बात किसी और की नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे माननीय राहुल गांधी की कर रहा हूं। जी हां, अगर राहुल गांधी को भी लगता है कि बीजेपी का मुकाबला करना है तो शिव मंदिर चले जाएं, इससे उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने बार बार उनके भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है कि कम से कम वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम इस यात्रा के जरिए वो देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मगर आप अगर आधा अधूरा हिंदू बनके चुनावी समर में उतरेंगे, चुनावी जंग के लिए मैदान में उतरेंगे, तो इससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जैसे मैंने बताया, बीजेपी के पास उनका पूरा प्रचार तंत्र है, उनके पास आरएसएस का साथ है, उनके पास आरएसएस के जो तमाम सहयोगी संगठन है, मसलन वीएचपी, बजरंग दल और जो तमाम हिंदू संगठन है वो हैं। आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से मुकाबला करेंगे वो भी आधा अधूरा हिंदू बन के? इस बात पर गौर कीजिए। आज मैं कार्यक्रम आपके सामने क्यों कर रहा हूं? आज ये कार्यक्रम मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि जैसे ही आप भारत जैसे देश में जनता को धर्म में उलझा कर रखते हैं तब असली मुद्दों से उसका ध्यान भटक जाता है और सरकार की जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है, सरकार को जवाबदेह बनाना मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दिन दिन भर गुफा में बैठकर मेडिटेशन करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, जब इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से सवाल कौन करेगा, बीजेपी से सवाल कौन करेगा? क्योंकि जब इनसे सवाल किया जाता है तो सवाल करने वाले को देश विरोधी बताया जाता है, हिंदू विरोधी बताया जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या? मेरे जैसे पत्रकार जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं तो हमें इसी आलोचना का सामना करना पड़ता है, जबकि मैं पिछले 25 सालों से बतौर पत्रकार यही कर रहा हूं, चाहे सत्ता में जो मर्जी हो। मगर चूंकि बीजेपी को सवालों से बचना है इसलिए उसने यह इलाज ढूंढ लिया है कि जो सवाल करे उसे धर्म विरोधी बता दो। अरविंद केजरीवाल भी गाहे बगाहे उसी रास्ते पर चल पड़े हैं।
मगर जैसे मैंने कहा, वो लोग उस खेल के दिग्गज हैं, आप छुट भैया हैं, आपने अभी अभी शुरुआत की है, उनसे मुकाबला करने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा और आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जनता के सामने राजनीति लाइए, ऐसी राजनीति जिसका असर हो, जो नहीं हो, जो जनता के मुद्दों को संबोधित करती हो। छोटा रिचार्ज मत बनिए बीजेपी का। मैं नहीं भूला हूं कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए उन्हें संघी रिचार्ज बताया था। मैं यही कहना चाहता हूं कि डाइट बीजेपी मत बनिए, उससे आप राजनीति नहीं कर पाएंगे, नई किस्म की राजनीति नहीं कर पाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।